Hello and welcome everyone in the classroom of Pune Study Circle. Dear students, today we will be discussing about some more advanced concept of generalizing business transactions. बच्चों इस लेक्चर के माध्यम से हम आप लोगों को टीच करेंगे कि किस प्रकार से आप जो मोस्ट डिफिकल्ट नेचर के ट्रांजेक्शन होते हैं उनको बुक्स ऑफ अकाउंट के अंदर ओरिजिनल बुक्स के अंदर या जर्नल के अंदर रिकॉर्ड करें. एट द सेम टाइम वी आर कंसिडरिंग द बिजनेस इज मेंटेनिंग ए सिंगल जर्नल, दैट मीन्स एक ही वही के अंदर हमें सारे के सारे ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड करने हैं जैसा हम प्रीवियस टू लेक्चर्स में कर चुके हैं. Here we are having the accounting problem. In this accounting problem, we are provided with the opening balance of assets and liabilities. So, बेटे यहाँ आपको ये clear करना काफी ज्यादा जरूरी हो जाता है कि आप लोग ये ध्यान रखें that what kind of accounts we have balance. जैसा आपको पता है हमारे पास तीन तरह के अकाउंट होते हैं according to British system of double entry. Real account, personal account and nominal account. जो नॉमिनल अकाउंट है वो एट द एंड ऑफ ईयर हम क्लोज कर देते हैं बाय ट्रांसफरिंग देयर बैलेंस टू द प्रॉफिट एंड लॉस एंड ट्रेडिंग अकाउंट. जबकि जो हमारे रियल अकाउंट और पर्सनल अकाउंट होते हैं वो हम ट्रांसफर करते हैं एज इट इज मेंटेन करते हैं, वो हमारे एसेट्स से लायबिलिटीज से रिलेटेड होते हैं. आप बोल सकते हैं दे आर रियल एंड पर्सनल अकाउंट. सो जो रियल और पर्सनल अकाउंट होते हैं उनके बैलेंसेस को ही हम बैलेंस शीट में शो करते हैं. बच्चों यहां आप ध्यान रखें जब भी आप किसी एसेट्स के ओपनिंग बैलेंस के साथ डील करें या क्लोजिंग बैलेंस के साथ डील करें और ऐसे ही जब आप किसी लायबिलिटी के ओपनिंग और क्लोजिंग बैलेंस के साथ डील करें तो आपको पता होना चाहिए कि एसेट्स के ओपनिंग बैलेंसेस हमेशा डेबिट ही होते हैं, लायबिलिटीज के ओपनिंग बैलेंसेस हमेशा क्रेडिट ही होते हैं. जैसा कि हमारा रूल है एसेट्स कम्स देन डेबिटेड, जैसे एसेट्स आता है उसको डेबिट करते हैं, व्हेन एसेट गोज आउट क्रेडिटेड. लायबिलिटीज में क्या होता है, व्हेन लायबिलिटी इज क्रिएटेड क्रेडिटेड एंड व्हेन लायबिलिटी इज रिटर्न ऑफ डेबिटेड. जब लायबिलिटी हमारी कम हो जाती है उसको डेबिट करते हैं, जब हमारी लायबिलिटी बढ़ जाती है हम उसको क्रेडिट करते हैं. वही एसेट्स के केस में हमारा अपोजिट होता है, जब एसेट्स हमारे बढ़ते हैं तो हम डेबिट करते हैं और जब एसेट्स हमारे कम हो जाते हैं तो हम उनको क्रेडिट करते हैं. सो इन द बिगनिंग वट एवर बैलेंस वी आर प्रोवाइडेड विद बी दे आर ऑफ रियल अकाउंट और पर्सनल अकाउंट, बी दे आर इन द नेचर ऑफ एसेट्स और लायबिलिटी, वी हैव टू रिकॉर्ड देम थ्रू जर्नल एंट्री एज वेल. उसको भी हम जर्नल एंट्री के थ्रू रिकॉर्ड करेंगे. बी दे आर फिक्स्ड एसेट्स और करंट एसेट्स ऑल विल बी डेबिट. जर्नल एंट्री के अंदर जितने भी एसेट्स दे रखे हैं जैसे प्लांट अकाउंट डेबिट, बिल्डिंग अकाउंट डेबिट, मशीनरी अकाउंट डेबिट, इक्विपमेंट अकाउंट डेबिट, स्टॉक अकाउंट डेबिट, डेटर्स अकाउंट डेबिट, प्रीपेड एक्सपेंस अकाउंट डेबिट, जो भी हमारे एसेट्स दे रखे हैं उन सभी को आप डेबिट करेंगे. देन यू विल क्रेडिट टू ऑल द लायबिलिटीज. देखो बेटे लायबिलिटीज का बैलेंस हम लेके जा रहे हैं, दैट मीन्स लायबिलिटी हम इस साल में भी क्रिएट कर रहे हैं. एसेट्स का बैलेंस हम लेके आ रहे हैं, दैट मीन्स एसेट्स का बैलेंस हम इस साल में भी क्रिएट कर रहे हैं. हमारे बिजनेस में एसेट्स आ रहे हैं, लायबिलिटी भी हमारे आ रहे हैं. तो जितनी भी लायबिलिटीज आपको क्वेश्चन में दे रखी हैं वो सभी लायबिलिटीज आप लोग क्रेडिट कर लें. समहाउ क्या होता है हमें कैपिटल का बैलेंस नहीं दिया होता विच इज ऑल्सो टू बी क्रेडिट इन द जर्नल एंट्री, जिसको हमें क्रेडिट करना है. सो यहाँ आप डेफिशिएंसी फाइंड आउट करेंगे, दैट मीन्स डिफरेंस बिटवीन एसेट्स एंड लायबिलिटी. फॉर एग्जांपल वी आर हैविंग एसेट्स ऑफ रुपीज 5 लाख वेयर एज लायबिलिटीज आर अमाउंटेड टू ओनली 80,000. एसेट्स हमारे 5 लाख रुपए के हैं जबकि लायबिलिटीज हमारे 80,000 रुपीज के हैं. सो वहां जो हमें 420 का डिफरेंस दिखाई दे रहा है क्रेडिट साइड में, दैट वुड बी रिगार्डेड एज योर कैपिटल. उसको आप कैपिटल रिगार्ड करेंगे. बट वट हैपन वेन कैपिटल इज ऑल्सो गिवन, जब हमें कैपिटल भी दे रखा है, इन दैट केस यू विल ट्राई टू फाइंड आउट डेफिशिएंसी ऑफ अदर साइड. किसी भी साइड में डेफिशिएंसी हो सकती है, वो एसेट साइड में भी हो सकती है, मतलब डेबिट साइड में भी हो सकती है और वो क्रेडिट साइड में भी हो सकती है. अगर डेफिशिएंसी कमी आपको डेबिट साइड में नजर आती है देन यू वुड राइट इट एज गुडविल, उस समय आप उसको गुडविल लिखेंगे. बट इफ यू एक्सपीरियंस That kind of deficiency on the liability side, अगर वहीं आपको credit side में कोई deficiency दिखे, that would be written as capital reserve. उसको आप capital reserve के नाम से record करेंगे. These are few basic instructions before starting the question. The accounting problem that we are going to discuss in this lecture is visible on your mobile screen right hand side. Here, we are not making proper format of journal. I'm sure you are competent enough to draw the format of journal. Here we are having basic format that can facilitate our journal recording in easy manner. बेटे हमने केवल एक particular debit और credit word लिखा है ऊपर जो हमारे captions होते हैं वहां पे, जाके हम जल्दी से जल्दी अपने transactions को record कर पाए. यहाँ केवल आपको journal entries सिखाए जाएंगे. जो previous two lectures है उसके अंदर हम journal के format को carry forward को growth forward को detail में discuss
कर चुके हैं। सो यहां हमें वो प्रोसेस दोबारा से रिपीट करने की आवश्यकता नहीं है। हम ज्यादा से ज्यादा लेक्चर्स, ज्यादा से ज्यादा नॉलेज, ज्यादा से ज्यादा टेक्निक्स आपको कम से कम समय में प्रोवाइड करना चाहते हैं। सो हियर वी आर हैविंग वेरी फर्स्ट थिंग बैलेंसेस इन द बैलेंस शीट ऑफ राधिका ट्रेडर एज ऑन 1 अप्रैल 2017। जो बैलेंसेस दे रखी है, सबसे पहले तो आप उस कंसर्न्स का नाम लिखेंगे इन द बुक्स ऑफ राधिका ट्रेडर। जो भी हमारा ट्रेडर दे रखा है, जो भी हमारा कंसर्न दे रखा है, पार्टनरशिप फॉर्म दे रखा है, कंपनी दे रखा है, तो सबसे पहले इन द बुक्स ऑफ जनरल ऑफ द कंसर्न, देर आफ्टर यू विल राइट हेयर जनरल। फिर हम हमारे फॉर्मेट से स्टार्ट करते हैं। हियर वी आर हैविंग टू शीट, शीट नंबर 1 एंड शीट नंबर 2। डेट पार्टिकुलर डेबिट एंड क्रेडिट, डेबिट एंड क्रेडिट हियर डिनोट्स टू द अमाउंट, डेबिट एंड अमाउंट क्रेडिट। सबसे पहला ट्रांजेक्शन हमें दे रखा है, बैलेंसेस प्रोवाइड कर रखे हैं। सो जो भी हमें एसेट्स प्रोवाइड कर रखे हैं, हम उन सबको डेबिट करें। जो लायबिलिटीज हमें प्रोवाइड कर रखी हैं, उन सबको हम जनरल एंट्री में क्रेडिट करें। फॉर एग्जांपल, कैश अकाउंट डेबिट 8,000 रुपीज, बैंक अकाउंट डेबिट 7,000 रुपीज, स्टॉक अकाउंट डेबिट 30,000 रुपीज। डेटर्स हियर व्हाट वी डू, फॉर एग्जांपल वी कैन हैव मैनी डेटर्स, बहुत सारे व्यक्ति ऐसे हो सकते हैं जिनको हमने क्रेडिट में गुड्स सेल कर रखे हैं। इन दैट केस इट इज वेरी अग्ली एंड अनकन्वीनियंट टू नेम ऑल द डेटर्स इन द बैलेंस शीट। बेटे अगर हम 2,000 डेटर्स के नाम बैलेंस शीट में लिखेंगे, इट विल बी इनकन्वीनियंट, बहुत ज्यादा अगली लगेगा हमें, क्योंकि बैलेंस शीट हार्डली हमारी 1 या 2 पेजेस की ही होती है, चाहे हम कितना ही बड़ा कंसर्न क्यों नहीं है। सो वहां हम डेटर्स को क्लब करके उसको संडे डेटर के अंदर कंपोजिट कर देते हैं, कंसोलिडेट कर देते हैं। ऐसे ही जो हमारे क्रेडिटर्स होते हैं, बहुत सारे सप्लायर्स होते हैं, अगर हर एक के खाते को हम बैलेंस शीट में शो करें तो वो हमारे लिए पॉसिबल नहीं रहेगा। इसीलिए हम क्रेडिटर्स को भी कंसोलिडेट करके संडे क्रेडिटर के नाम से शो करते हैं। लेकिन जब स्पेसिफिकेशन हम रीड करते हैं, जब लेजर हम चेक करते हैं, तो वहां हमें हर एक डेटर का या क्रेडिटर का बैलेंस मिल जाता है। दोनों के दोनों ही हमारे उनसे पर्सनल अकाउंट्स होते हैं, दोनों के दोनों, चाहे वो डेटर्स हैं, चाहे वो क्रेडिटर हैं, चाहे वो लायबिलिटीज हैं। तो यहां हमें कैश दे रखा है 8,000 रुपीज, कैश अकाउंट डेबिट, यहां आप डेट लिखेंगे, डेट नहीं दे रखी, देन यू विल राइट हियर ट्रांजेक्शन नंबर 1, कैश अकाउंट डेबिट, डेबिट में आप बैलेंस लिखेंगे रुपीज 8,000, के डिनोट 2,000 हियर। सेकेंड दे रखा है बैंक, बैंक इज अ पर्सनल अकाउंट, बैंक डेबिट 7,000, बिकॉज बैंक हमारा पर्सनल अकाउंट होता है, किसी व्यक्ति या संस्था के नाम से ही ओपन किया जाता है और कंसर्न पर्सन ही इसको ऑपरेट कर सकता है। देर आफ्टर वी आर हैविंग स्टॉक, इट इज एन एसेट अकाउंट, स्टॉक अकाउंट डेबिट रुपीज 30,000। देर आफ्टर वी आर हैविंग डेटर्स, कंपोजिट डेटर्स दे रखे हैं हमें, डेटर्स अकाउंट डेबिट 2,000 हमारे क्या है पर्सनल अकाउंट में, लेकिन कंसोलिडेटेड सेंस में हम यहां लिख रहे हैं इसको 36,000। देर आफ्टर वी आर हैविंग फर्नीचर एंड बिल्डिंग, बिल्डिंग अकाउंट डेबिट, फर्नीचर रुपीज 5,000 एंड बिल्डिंग इज रुपीज अनदर 25,000। अब हमें जो लायबिलिटीज दे रखे हैं वो हम क्रेडिट साइड में रिकॉर्ड करेंगे, टू सन्ड्री क्रेडिटर्स, सन्ड्री क्रेडिटर्स हमें दे रखे हैं बेटे 5,000 प्लस 6,000, एक्स एंड वाई दो ही क्रेडिटर हैं हमारे पास, 11,000 रुपए को यहां आप डिनोट कर सकते हैं। हियर यू कैन सिंपली मेजर द डिफरेंस बिटवीन डेबिट एंड क्रेडिट, हमें सीधा सीधा दिख रहा है जो डेबिट साइड है वो हमारी एक्सीड कर रही है क्रेडिट साइड से। सो यहां हमें डेबिट साइड को टोटल करने की आवश्यकता है, 7 plus 8 15 plus 30 45 45 plus 36 81 86 86 and 25 1,11,000। 1,11,000 में से आप 11,000 लेस करेंगे, दैट वुड बी रुपीज 1,00,000, वो हमारी कैपिटल डिनोट करेंगे। कुछ हमें नहीं दे रखा है कैपिटल, कितना रहेगा कैपिटल हमारा रुपीज 1,00,000। This will be your first journal entry here. You will write down balances, brought forward. जो balances हैं हमारे वो हम brought forward, पीछे से आगे लेकर आए हैं, पिछले वर्ष से नए वर्ष में लेकर आए हैं। Then the second transaction received a draft from the Mohan in full settlement of this account. बेटे इससे पहले एक ट्रांजेक्शन दे रखी है, bought goods from the Kahana Brothers. Kahana Brothers से हमने goods खरीदे हैं, लिस्ट प्राइस रुपीज 6,000, जिनका लिस्ट प्राइस 6,000 रुपए है, लेस 15% ट्रेड डिस्काउंट। कान्हा ब्रदर्स ने हमें 15% ट्रेड डिस्काउंट दिया है, दैट इज डिस्काउंट रिसीव्ड। डिस्काउंट रिसीव्ड हमेशा क्रेडिट होता है, 6,000 into 15% would be 900 रुपीज। तो 900 रुपए का हमें यहाँ पर
10 डिस्काउंट मिला है, हमारा ट्रांजेक्शन कितने का माना जाएगा, 6000 माइनस 900 5100, लेस कैश डिस्काउंट 2% एंड पेयर 40% इन द कैश एट द सेम टाइम। बेटे कैश डिस्काउंट केवल उसी पेमेंट के ऊपर हमें अवेलेबल होता है जो पेमेंट हमें हमने कैश में की है। अगर यहाँ 5100 रुपीज का हमारा बैलेंस बचा हुआ है और उसमें से 40% दैट मीन्स अमाउंट 2040 रुपीज, 2040 रुपए का हम कैश में भुगतान कर रहे हैं, सो 2040 पर ही हमें 2% कैश डिस्काउंट मिलेगा। जो रिमेनिंग हमारा 3060 है वो हमारा क्रेडिटर में क्रिएट होगा और उस पर हमें कोई भी कैश डिस्काउंट नहीं मिलेगा। तो कैसे आप रिकॉर्ड करेंगे इस ट्रांजैक्शन को, सबसे पहले आप लिखिए परचेज, परचेज अकाउंट डेबिट रुपीज 5100। आप यहां 5100 लिखेंगे इंस्टेड ऑफ 6000 बिकॉज 900 रुपीज हमें डिस्काउंट मिला है, वो ट्रेड डिस्काउंट हम रिकॉर्ड नहीं करते हैं। उसके बाद यहां पर हमारे पास थ्री अकाउंट्स है, एक तो हम कैश में पेमेंट कर रहे हैं, एक हमें डिस्काउंट मिल रहा है और एक हमारा 3060 रुपीज से क्रेडिट क्रिएट हो रहा है जो उसी कंसर्न्स के नाम से जो कि टाना ब्रदर्स हमें दे रखा है नाम से हम करेंगे। टू कैश अकाउंट रुपीज 2040 में अगर 2% कैलकुलेट करेंगे इट वुड बी अबाउट 40.8, तो हम इसको 40 ले सकते हैं लमसम में। टू डिस्काउंट रिसीव्ड अकाउंट रुपीज 40 और जो हमारा बैलेंस है वो काना ब्रदर के नाम से हमारे क्रेडिटर में क्रिएट हो गए हैं ब्रदर रुपीज 3060। यहां आप नरेशन में लिख सकते हैं गुड वर्क और गुड लिस्ट प्राइस 6000 बोथ एट 15% ट्रेड डिस्काउंट एंड 2% कैश डिस्काउंट, पेमेंट मेड 40% हमने कैश में किया है इसलिए हमें केवल 40 रुपीज का डिस्काउंट मिला है। रिमेनिंग जो हमारा 3060 है दैट हैज बीन ट्रांसफर टू द अकाउंट ऑफ काना ब्रदर इन द सेंस ऑफ दे आर आवर क्रेडिटर। ये हमारा सेकेंड ट्रांजेक्शन है। द थर्ड ट्रांजेक्शन इज गिवन received a draft from the Mohan in full settlement of his account 9750 rupees। देखो बेटे मोहन हमारा डेटर है जो कि हमें डेटर्स की डिटेल में दे रखा है, मोहन सोहन है दिनेश। मोहन इज डेटर टू द एक्सटेंट ऑफ 10,000 वेयर अस सोहन इज डेटर टू द एक्सटेंट ऑफ 12,000 एंड दिनेश इज डेटर टू द एक्सटेंट ऑफ 14,000। तीन डेटर्स हैं हमारे पास जिनको हमने गुड्स क्रेडिट में सेल कर रखे हैं। मोहन से हमें 10,000 रुपए प्राप्त हैं, रिसीवेबल हैं, लेकिन वो हमें ड्राफ्ट से पेमेंट कर रहा है एंड ड्राफ्ट इज ऑल्सो ऑफ द लेस अमाउंट 9750। तो यहां हम फुल सेटलमेंट वर्ड यूज करते हैं, दैट मीन्स हम उसको कैश डिस्काउंट दे रहे हैं रिमेनिंग रुपीज 250 का, क्योंकि 10,000 में से 9,750 रुपए की पेमेंट वो कर रहा है इसीलिए उसको 250 रुपए का डिस्काउंट मिलेगा। डेटर को हमें कैंसिल करना है तो उसे हम क्रेडिट करेंगे, डिस्काउंट यहां पर हम अलाउ कर रहे हैं तो डेबिट होगा और कैश 9750 रुपए हमें बैंक के थ्रू मिलेगा क्योंकि ड्राफ्ट से वो पेमेंट कर रहे हैं। सो हियर यू विल राइट इन थर्ड ट्रांजेक्शन बैंक अकाउंट डेबिट, बैंक अकाउंट वर्ड यूज भी ना करें, बैंक डेबिट डिस्काउंट अलाउड अकाउंट डेबिट टू मोहन अकाउंट हियर 9750 डिस्काउंट 250 एंड मोहन इज रिटर्न ऑफ फ्रॉम द डेटर बुक। यहां आप लिखेंगे पेमेंट मेड बाय मोहन और अकाउंट को मोहन सेटल एट 9750 रुपीज विद ए कैश डिस्काउंट ऑफ 250 रुपीज। द नेक्स्ट ट्रांजेक्शन और बिफोर रिकॉर्डिंग नेक्स्ट ट्रांजेक्शन आई मस्ट से यू वेन एवर यू आर रिकॉर्डिंग द ट्रांजेक्शन ऑफ ट्रेड डिस्काउंट एंड कैश डिस्काउंट यू मस्ट रिमेंबर और बियर इन योर माइंड दैट ट्रेड डिस्काउंट इज नेवर रिकॉर्डेड इन द बुक्स ऑफ अकाउंट वेयर एज कैश डिस्काउंट इज ऑलवेज रिकॉर्डेड इन द बुक्स ऑफ अकाउंट। कैश डिस्काउंट मे बी ऑफ टू टाइप्स, डिस्काउंट रिसीव्ड एंड डिस्काउंट अलाउड। डिस्काउंट रिसीव्ड वी गेट फ्रॉम द सप्लायर एंड इट इज ऑलवेज ट्रीटेड एज अ बेनिफिट सो ऑलवेज प्रोवाइडेड क्रेडिट इफेक्ट इन द जर्नल एंट्री वेयर एज डिस्काउंट अलाउड इज ए फेवर टूवर्ड्स द डेटर सो वी ट्रीट इट एज एन एक्सपेंस एंड इट इज ऑलवेज प्रोवाइडेड डेबिट इफेक्ट। नाउ वी आर अटेम्पिंग टू आर नेक्स्ट बिजनेस ट्रांजेक्शन, ट्रांजेक्शन नंबर 4। बेटे यहाँ पर ट्रांजेक्शन को हमने बैलेंस के बाद ऑर्डर किया है जो आपको लास्ट स्टेशन या अकाउंटिंग प्रॉब्लम स्क्रीन पर विजिबल है। इन दैट नरेशन और इन दैट एक्सप्रेशन यू विल फाइंड प्रॉब्लम नंबर 4 एज प्रॉब्लम नंबर 3। तो यहाँ हम इसको नेक्स्ट प्रॉब्लम एड्रेस करेंगे।
purchase goods from Suresh. List price 8000 at 20% trade discount and paid to him by check. बेटे जब भी आप लोग पेमेंट कर रहे हैं सो आप ध्यान रखें, या तो आप पेमेंट कैश में कर रहे हैं या फिर आप पेमेंट ड्राफ्ट या चेक के माध्यम से कर रहे हैं. अगर आप ड्राफ्ट या चेक के माध्यम से पेमेंट करते हैं इन दैट केस यू नीड टू क्रेडिट टू बैंक इंस्टेड ऑफ कैश. उस समय आप बैंक को क्रेडिट करेंगे, वहीं जब आप कैश में पेमेंट कर रहे हैं सो आप टू कैश को क्रेडिट करेंगे. ऐसा ही जब आपको पेमेंट रिसीव होता है, आपको अगर कैश में पेमेंट मिला है तो आप कैश को डेबिट करेंगे. अगर आपको चेक या ड्राफ्ट के माध्यम से पेमेंट मिला है इन दैट केस आपको चेक या सॉरी बैंक यस चेक और बैंक को ही डेबिट करना पड़ेगा. हम चेक इन हैंड को डेबिट कब करते हैं, जब हमारा चेक उसी दिन बैंक में डिपॉजिट नहीं किया जाता जिस दिन वो हमें रिसीव हो रहा है. फॉर एग्जाम्पल अगर हमने किसी ग्राहक को गुड सेल्स किए 14 अप्रैल को उन्होंने हमें चेक दिया बट वी फॉरगॉट टू डिपॉजिट इट इन द बैंक एट द एंड ऑफ डे सो वी डिपॉजिटेड इट इन द नेक्स्ट डे. अगले दिन अगर हमने जमा किया है सो उस समय हम बैंक को डेबिट नहीं करेंगे, हम चेक इन हैंड को डेबिट करेंगे टू सेल्स करके. वो नेक्स्ट डे जब हम चेक को बैंक में जमा करेंगे उस समय हम बैंक को डेबिट करके टू चेक इन हैंड से उसको कैंसिल कर देंगे. तो यहाँ हमारी नेक्स्ट ट्रांजेक्शन बोल रही है हमें सुरेश से हमने गुड्स परचेज किए हैं वर्थ 8000 20% हमें ट्रेड डिस्काउंट मिला. 8000 के गुड्स पे 20% कैश ट्रेड डिस्काउंट हमारा 1600 है. इट मीन्स वी हैव बोट गुड्स फॉर रुपीज 6400. 6400 रुपए के गुड्स हमने खरीदे हैं एंड पेमेंट वॉज मेड थ्रू चेक. सो यहाँ हमें टू कैश करने की आवश्यकता नहीं है, हम करेंगे टू बैंक. यहाँ आप लिखेंगे परचेज अकाउंट डेबिट नहीं मिला है. हियर यू विल राइट गुड्स परचेज इन कैश, ये कैश ही माना जाएगा एंड पेमेंट वॉज मेड थ्रू चेक और गुड्स लिस्ट प्राइस 8000 परचेज एट ए ट्रेड डिस्काउंट ऑफ 20%. यहां हम नेक्स्ट ट्रांजेक्शन को रीड कर रहे हैं. सोल्ड गुड्स वर 25000 एंड रिसीव्ड अ चेक. हमने सेल्स किया है, यहां पर सेल्स के लिए हमारा एंट्री क्या होता है बेटे, कैश और बैंक अकाउंट डेबिट टू सेल या डेटर अकाउंट डेबिट टू सेल. यहां पर हमें चेक से पेमेंट मिली है, इन दैट केस वी नीड टू डू बैंक अकाउंट डेबिट टू सेल्स. लेकिन इससे वेरी नेक्स्ट ट्रांजेक्शन को अगर हम चेक करें तो चेक डिपोजिटेड इनटू बैंक अबव चेक डिपोजिटेड इनटू बैंक इन द नेक्स्ट डे. ये जो 25000 रुपए का चेक हमें मिला है फर्स्ट ट्रांजेक्शन में, यहां हम क्या करेंगे, बैंक को डेबिट ना करके चेक इन हैंड को डेबिट करेंगे टू सेल्स और नेक्स्ट डे हम क्या करेंगे बैंक टू चेक इन हैंड. तो आई इस ट्रांजेक्शन को करते हैं हम चेक इन हैंड डेबिट टू सेल्स अकाउंट. अमाउंट हमारी वही रहेगी 25000. हियर यू विल राइट गुड्स सोल्ड, गुड्स फॉर 25000 सोल्ड एंड पेमेंट रिसीव इन चेक. नेक्स्ट डे जब आप चेक डिपोजिट करेंगे तो एंट्री रहेगी हमारी बैंक अकाउंट डेबिट टू चेक इन हैंड अकाउंट अमाउंट 25000. इन दिस वे अबव चेक डिपोजिटेड इन टू बैंक इट वुड बी योर डोनेशन. उसके बाद हमें ट्रांजेक्शन दे रखा है सोहन डिपोजिट इन आर बैंक रुपीज 4000. सोहन जो हमारे डेटर हैं टू द एक्सटेंट ऑफ 12000, 12000 रुपए सोहन से रिसीवेबल हैं, जबकि वो 4000 रुपए की पेमेंट कर रहा है डायरेक्ट टू आर बैंक अकाउंट में डिपॉजिट सोहन ने कर दिया. तो यहां हमें सोहन का जो बैलेंस है उसको 4000 रुपए से रिड्यूस करना पड़ेगा. डेटर के बैलेंस को रिड्यूस करने के लिए हम उसको क्रेडिट करते हैं. सो यहां एंट्री क्या रहेगी, बैंक अकाउंट डेबिट टू सोहन 4000. 8000 रुपए अभी सोहन की तरफ बचे हुए हैं. सोहन इन आर बैंक अकाउंट रुपीज 4000. नेक्स्ट ट्रांजेक्शन हमें यहां दिया गया है पेड इनकम टैक्स 5600 बाय चेक. इनकम टैक्स इज एन एक्सपेंडिचर, ये हमारा एक्सपेंस है, इनडायरेक्ट एक्सपेंस होता है, इसको हम पीएनएल के डेबिट साइड में रिकॉर्ड करते हैं. यहां एक्सपेंस की जनरल एंट्री क्या रहेगी, इनकम टैक्स टू बैंक, क्योंकि हमने चेक से पेमेंट इसको किया है. यह
ये हमारा एक पर्सनल टैक्स होता है टू बैंक ₹5600, टैक्स पेड ₹5600 बाय चेक। नेक्स्ट ट्रांजेक्शन हमें दे रखा है रिसीव फ्रॉम सोहन, चेक वर्थ 7800 एंड अलाउड ए डिस्काउंट ऑफ 200। देखो बच्चों, हमारे पास सोहन वॉज एग्जिस्टेंट इन द फॉर्म ऑफ लेटर ₹12,000, ऑलरेडी ही हैड मेड पेमेंट 4,000, द पेंडिंग अमाउंट वॉज 8,000, बट नाउ वी एग्रीड टू पे अस ए चेक ऑफ 7800 इंस्टेड ऑफ 8,000। अब सोहन ने एग्री किया कि वो हमें एक चेक देंगे 7800 रुपीज का, जिसके लिए उनको ₹200 का डिस्काउंट मिलेगा। तो यहां हम इसको कैसे रिकॉर्ड करेंगे, हमने ये मान लिया अगर नेक्स्ट कोई ट्रांजेक्शन नहीं दे रखा टैक्स को डिपॉजिट करने के संबंध में, तो हम ये मानेंगे कि हमने उसी डे में चेक को डिपॉजिट कर दिया और हम बैंक अकाउंट को डेबिट करेंगे, डिस्काउंट अलाउड को डेबिट करेंगे टू सोहन। अब हमारा सोहन फुली राइट ऑफ हो चुका है, क्योंकि 12,000 का ही वो डेटर हमारे पास था। यहां हम करेंगे बैंक अकाउंट डेबिट, डिस्काउंट अलाउड टू सोहन 7800 रुपीज। चेक मिला हमें जो हमने डिपॉजिट कर दिया, 200 का हमने कैश डिस्काउंट किया और 8,000 से सोहन को हमने राइट ऑफ कर दिया। सोहन अकाउंट सेटल एट 7800 विद ए कैश डिस्काउंट ऑफ ₹200। बेटे यहां बैंक को डेबिट करने का मतलब हमेशा ये नहीं होता है दैट अमाउंट हैज बीन रिसीव्ड बाय द बैंक। You know, whenever we deposit a check in the bank, it takes about 2 to 3 days in order to get clear. Earlier, जो हमारा time था, if we're talking about a couple of years ago, उसको 2 से 3 दिन हमें लग जाते थे, but in modern times, it made at least 24 hours. 24 घंटे के अंदर हमारे account में balance transfer होता है। इस duration में अगर जिस व्यक्ति ने check हमें write किया है, हमें check दिया है, उसके खाते में पैसे नहीं है या signature match नहीं हुए, वो check disowner होगा, वो disowner के case में हमारी entry reverse हो जाएगी। मतलब जिस व्यक्ति ने पेमेंट की है उसको हमने राइट ऑफ किया होगा, क्रेडिट किया होगा, तो उसको हम डेबिट करेंगे, दोबारा से डेटर बनाएंगे, बैंक हमारे अकाउंट से चार्जेस काटेगा जो उसने पेमेंट हमारी करनी, जो असेप्टेंस थी उसके थ्रू, वो डिस्काउंट जो हमने दिया था वो हम वापस ले लेंगे उसे। तो यहां हम बात करते हैं नेक्स्ट ट्रांजेक्शन के लिए, विड्रॉ फ्रॉम बैंक ₹2,000 फॉर ऑफिस यूज एंड 4,000 फॉर प्राइवेट यूज। बेटे हमने विड्रॉल किया है बैंक से पैसे निकलेंगे तो हमें टू बैंक करना पड़ेगा, ऑफिस यूज का मतलब बिजनेस यूज के लिए 2,000 और प्राइवेट यूज से यहाँ अभिप्राय है जो हमारा बिजनेस मैन है, जो ओनर्स है, उसने अपने पर्सनल यूज के लिए अमाउंट विड्रॉ की है। इन दैट केस वी विल डेबिट टू द ड्रॉइंग अकाउंट। ड्रॉइंग अकाउंट क्या करता है, हमारे कैपिटल को टेम्परेरीली रिड्यूस कर देता है जब तक उसको एट द एंड ऑफ ईयर सेटल नहीं किया जाता। सो यहाँ हमें क्या करना है, कैश अकाउंट डेबिट, अगर बिजनेस में पैसे आए हैं, बिजनेस के लिए पैसे निकालते हैं बैंक से, तो कैश आ जाता है बिजनेस में, कैश अकाउंट डेबिट, ड्रॉइंग्स अकाउंट डेबिट। पर्सनल यूज के लिए हम क्या करेंगे, ड्रॉइंग्स को डेबिट करेंगे टू बैंक। बैंक से कितना अमाउंट रिटर्न हुआ है 6,000, 2,000 फॉर ऑफिस यूज विच इज रिटर्न इन द नेम ऑफ कैश अकाउंट एंड 4,000 इन द नेम ऑफ ड्रॉइंग्स। यहां हमने जो ड्रॉइंग्स की है उसके लिए हम राइट ऑफ करेंगे। नाउ वी नीड टू इरेज आर बोर्ड सो दैट वी कैन राइट डाउन नेक्स्ट ट्रांजेक्शंस। नेक्स्ट ट्रांजेक्शन गिवन हियर, सेंड ए चेक ऑफ ₹4,900 इन फुल सेटलमेंट ऑफ एक्स अकाउंट। बेटे जो एक्स है ही वॉज क्रेडिटेड टू द एक्सटेंट ऑफ 5,000, वो हमारे लेनदार है, ₹5,000 के ओपनिंग जनरल एंट्री में हमने उनको रिकॉर्ड किया था क्रेडिट साइड में एज अ क्रेडिटर ₹11,000, जिसके अंदर एक्स और वाई हमारे दोनों इंक्लूडेड हैं। तो ₹5,000 की अमाउंट पेबल है एक्स को, लेकिन हम उनके अकाउंट को 49 में सेटल कर रहे हैं कि आप 4900 रुपीज रिसीव करें, 100 रुपीज का हमें कैश डिस्काउंट अलाउ करें। तो हमें जो डिस्काउंट अलाउड होता है उसको हम डिस्काउंट रिसीव बोलते हैं, हम जो ग्राहक को डिस्काउंट अलाउ करते हैं वो हमारे लिए एक्सपेंस होता है, उसको हम डिस्काउंट अलाउड बोलते हैं। यहां हम कैसे लिखेंगे इस जनरल एंट्री को, क्योंकि हम पेमेंट कर रहे हैं चेक से, टू बैंक हमारा होगा, टू डिस्काउंट रिसीव होगा 100 रुपीज, और यहां हम एक्स के अकाउंट को कैंसिल कर रहे हैं, सो क्रेडिट से इसको डेबिट करना पड़ेगा। आप यहां क्या लिखेंगे, एक्स डेबिट पर्सनल अकाउंट है हमारा टू बैंक अकाउंट, बैंक भी हमारा पर्सनल है टू बैंक, और टू डिस्काउंट रिसीव, एक्स को हम कैंसिल कर रहे हैं ₹5,000, फुल सेटलमेंट लिख रखा है क्वेश्चन के अंदर, फुल सेटलमेंट का मतलब अमाउंट हमारा जीरो करना है वहां पे, पेमेंट हम कितनी कर रहे हैं 4900 टू बैंक, और 100 रुपीज का आप क्या मानेंगे
डिस्काउंट हमें रिसीव हुआ है, एक्स अकाउंट वो सेटल एट 4900 विद ए कैश डिस्काउंट ऑफ 100 रुपीज। नेक्स्ट बिजनेस ट्रांजेक्शन हमारा देखा है, चेक ऑफ सोहन रिटर्न बाय द बैंक एज दिस ओनर। अभी जो हमें सोहन से चेक मिला था, चेक की अमाउंट की हमारी 7800, हमने क्या एंट्री किया था बेटे, सोहन को हमने क्रेडिट कर दिया था, हमने बैंक को डेबिट किया था, डिस्काउंट अलाउड को डेबिट किया था 200 से और सोहन को हमने क्रेडिट कर दिया था। जबकि ये चेक जब डिसओनर होगा तो सोहन दोबारा से हमारा डेटर हो जाएगा, उसको हम डेबिट करेंगे। बैंक कितना चार्ज डिडक्ट करेगा, 7800 टू बैंक 7800 करेंगे जो चेक हमारा डिसओनर हो गया एंड टू डिस्काउंट अलाउड। अब ये डिस्काउंट अलाउड कैंसिल करने के लिए क्रेडिट हो सकता है और डिस्काउंट रिसीव्ड कैंसिल करने के लिए डेबिट हो सकता है। यहाँ कैंसिलेशन की एंट्री जो होती है डिस्काउंट अलाउड की, वो हमारी क्रेडिट होती है। जो हमारी डेबिट एंट्री होती है डिस्काउंट रिसीव के लिए, वो कैंसिलेशन की एंट्री होती है। सो यहाँ हम दोबारा से सोहन को डेटर की सेंस में लेके आएंगे बुक्स में, सोहन डेबिट टू बैंक अकाउंट एंड टू डिस्काउंट अलाउड। सोहन दोबारा से 8000 रुपए का हमारा डेटर हो गया, 7800 रुपीज बैंक ने हमारे अकाउंट से डिडक्ट किया। समटाइम्स क्या होता है, नोटिंग चार्ज भी हमारे लग जाते हैं जब उस कैश चेक को हम डिसओनर कराते हैं, एक्सेप्टेंस के लिए सेंड करते हैं जिस पर्सन ने वो राइट किया था, तो उस समय हमें राइट होता है कि हम डेटर से वो नोटिंग चार्ज कलेक्ट करें जो बैंक ने हमसे कलेक्ट किए हैं। सो यहाँ इस विषय में नोटिंग चार्ज नहीं दे रखा, सपोज 50 रुपीज का नोटिंग चार्ज अगर हमें पे करना पड़ता तो हम क्या करते, यहाँ सोहन को 8050 से डेटर क्रिएट करते और नोटिंग चार्ज को हम यहाँ क्रेडिट करते एज अ रिसीव। अब हम बात करते हैं वो बैंक ने हमारा ऑलरेडी पे कर रखा था 7850 यहाँ कर सकते थे, डिस्काउंट हम कैसे कर रहे हैं 200 रुपए का। सोहन चेक रिसीव फ्रॉम सोहन बैंक डिसओनर हो गया। नेक्स्ट चेक हमारा दे रखा है, दिनेश वोस डिक्लेयर एज इंस्टॉलमेंट, दिनेश वोस वन ऑफ आर डेटर्स टू द अमाउंट ऑफ 14000। बेटे दिनेश यहाँ क्वेश्चन में हमारे डेटर के तौर पर दे रखे हैं, 14000 रुपए रिसीवेबल थे दिनेश पे, जबकि ये कहा गया टू इंस्टॉलमेंट हो गए, दिवालिया हो गए। जो अमाउंट हमारी इंस्टॉलमेंसी पे डूब जाती है उसको हम बैड डेट बोलते हैं बच्चों। अगर यहाँ दिनेश से कुछ भी रुपए हमें रिसीव नहीं होते, इन दैट केस वी हैड टू डेबिट द बैड डेट। बैड डेट हमारा लॉस होता है, डूबते हैं हम इसको बोलते हैं। और सोहन को हमें क्या करना, जो ये है हमारे दिनेश, इनको हमें क्रेडिट करना पड़ता है एज बीइंग इंस्टॉलमेंट। ये भी कैंसिलेशन के लिए एंट्री होती है, लेकिन यहाँ कहा गया 1 रुपए में से हमें 60 पैसे प्राप्त हो गए उनकी एसेट्स को लिक्विडेट करके, मतलब 60% हमारी अमाउंट रिसीव हमें हो गई। सो 14000 का 60% वुड बी रुपीज 8600, 8600 रुपए जो हमें मिले हैं वो तो हमें कैश में मिल जाएंगे। जो हमारा लॉस रहेगा 1600 प्लस 4000 5600 का, वो हमारा बैड डेट लॉस माना जाएगा, डूब गए हैं 40 पैसे और 40% अमाउंट 14000 में से, जबकि हमारा दिनेश कैंसिल हो गया 14000। यहाँ हम देखेंगे जो अमाउंट हमें रिकवर्ड हो गई, कैश अकाउंट डेबिट 8400, उसके बाद देखेंगे बैड डेट अकाउंट डेबिट 5600 टू दिनेश 14000। तो यहाँ दिनेश का अकाउंट हमारा क्लोज हो गया है। द लास्ट ट्रांजेक्शन इज गिवन इन द क्वेश्चन, बैंक अलाउड इंटरेस्ट ₹350। बेटे बैंक अलाउड किसको करता है, हमारे खाते में जब बैंक पैसे जमा करता है इंटरेस्ट के, तो वो हमारे लिए एक रिसिप्ट होती है। जो हम पैसे जमा करते हैं या बैंक हमारे खाते में इंटरेस्ट डिपोजिट करता है, वो हमेशा क्रेडिट में ही होता है, जिससे हमारा अकाउंट बढ़ जाता है। और जो हम विड्रू करते हैं वो बैंक डेबिट में करता है। जो इंटरेस्ट रिसीव होता है ना, वो हमारे लिए एक इनकम होती है। जब हमें ब्याज पे करना पड़ता है, जो हम इंटरेस्ट की पेमेंट करते हैं बैंक को, बैंक चार्जेस देते हैं, वो हमारे लिए एक्सपेंस होता है, तो उसे हमें डेबिट करना पड़ता है। तो यहाँ हमारा जो पेमेंट हमें मिला है वो बैंक के थ्रू मिला है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, बैंक अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट रिसीव। अगर हम इंटरेस्ट पे करते बैंक के द्वारा लिए गए लोन के लिए, तो हमें क्या करना पड़ता, इंटरेस्ट ऑन लोन टू बैंक अकाउंट। तो यहाँ हम क्या करेंगे, बैंक अकाउंट से इंक्रीज हुआ है हमारा, जो भी हमारे लास्ट ट्रांजेक्शन दे रखे हैं एक्सपेंसिस रिलेटेड, एक्सपेंसिस हमेशा डेबिट होते हैं और इनकम हमेशा हमारे क्रेडिट होते हैं। फर्स्ट है हमारा बैंक अलाउड इंटरेस्ट ₹350, इसको हम बैंक को डेबिट कर लेते हैं 350 के लिए, बैंक अकाउंट डेबिट 350 टू इंटरेस्ट ऑन डिपोजिट। डिपोजिट पर ही हमें इंटरेस्ट मिला है, इनकम है 350 रुपीज इंटरेस्ट रिसीव्ड ऑन बैंक डिपोजिट। नेक्स्ट हमारा दे रखा है
रेंट पेड बाय चेक 1500 1500 रुपए का हमने चेक से रेंट पे किया, उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, रेंट हमारा एक्सपेंस होता है रेंट अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट 1500। जो लास्ट ट्रांजेक्शन हमारा दे रखा है पेड ट्रेवलिंग एक्सपेंसेस 500 बाय चेक। बेटे ट्रेवलिंग एक्सपेंसेस हमारे क्या होते हैं, अगर ये बैंक के ट्रांजेक्शन है सारे तो हम ये मान लेंगे कि चेक से ही पे किया गया है, यातायात का जो व्यय हम पे करते हैं हमारे कर्मचारियों के लिए वो भी हमारे लिए एक्सपेंस होता है, तो ध्यान ले लेंगे हम ट्रेवलिंग एक्सपेंस अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट रुपीज 500। और यू है अल्टरनेटिव ऑप्शन, ये जो बैंक के ट्रांजेक्शन हैं आप इनको कंपोजिट करके भी रिकॉर्ड कर सकते हैं, लेकिन यहां रहेगा क्या, हमें एक्सेस कैलकुलेट करना पड़ेगा। जैसे आप डेबिट एक्सपेंस को कवर करें कितना डेबिट है 1500 प्लस 500 2000 रुपए हमें डेबिट करने हैं किसके नाम से, रेंट के नाम से 1500 रुपए और ट्रेवलिंग एक्सपेंस के नाम से 500 रुपए। फिर हम देखते हैं कि बैंक हमारा क्रेडिट कितना हुआ है, देखो बैंक क्रेडिट हुआ है हमारा 1500 तो ये है और 500 रुपए ये है 2000 रुपए, लेकिन यहां हम इसमें से क्या करेंगे, ये जो नेगेटिव बैलेंस है हमारा इसको हमें क्या करना पड़ेगा, राइट ऑफ करना पड़ेगा। डेबिट में आप क्या क्या करेंगे, रेंट को कर सकते हैं आप, ट्रेवलिंग एक्सपेंस को कर सकते हैं, बैंक को कर सकते हो, क्रेडिट में क्या करेंगे इंटरेस्ट रिसीव्ड, बैंक हमारा 2000 से राइट ऑफ हो जाएगा 1500 और 500 रुपए। इन दिस वे यू विल बी रिकॉर्डिंग दीज बिजनेस ट्रांजेक्शन इन यूर नोटबुक्स। यू कैन सोल्व न्यूमेरिकल अप टू न्यूमेरिकल नंबर 16 गिवन इन द डीके गोयल बुक्स। So, I hope that you are giving relevant time to your studies. See you very soon. Have a good time. Goodbye.